वैसे इतनी बढ़िया प्रस्तुति के बाद केवल तालियां बनती है, सवाल कुछ मन में आता नहीं, देखे तो नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत अरसे बाद प्रहसन देखने को मिला, बहुत अरसे बाद जयपुर में तो एटलीस्ट, क्योंकि मॉडर्न थिएटर की अब परंपरा चल पड़ी है, लोग हिंदी नाटक खेलना पसंद करते हैं। सो अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो पूछ सकते हैं। जी प्लीज 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 सर प्लीज सर कम सर। क्या है कि मैं ये नाटक देखा था भोपाल में, मेरा नाम मकरंद देशपांडे, 27 तारीख को है, तो एक गाइड भी कर ली मैंने, सुनने में आता है दो शो थे ये, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि देश भर में नाटक तो कई किस्म के किए जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्लासिक नाटक करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा अपना फोक नाटक, संस्कृत नाटक बहुत पुराना, बहुत साधारण सा नाटक है, उसमें कई चीज़ें हैं जिसे हम प्रहसन कहते हैं, पर असल में इससे हमारे सिस्टम पर हम एक एक ऐसी एक टिप्पणी करते हैं जिसमें एक साधारण सा नाटक मनोरंजक जादुई नाटक होता है, लेकिन टिप्पणी हम करते जाते हैं, और तो इसलिए ये नाटक 22वीं सदी में भी ये नाटक खेला जा सकता है, किसी भी सदी में नाटक खेला जा सकता है, पर बात ये है कि क्या हम वो खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो नया ग्रुप है, भोपाल का नया ग्रुप है, और मैं चाहता हूँ कि जहां भी मैं जाऊं इस ग्रुप के लिए इनके बारे में बोलूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लोग कितने लिखे पड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये नाटक करते करते एक